अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं भाई जी? काम कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, सारे सारे जो हैं मज़े मज़े के काम कर रहे हैं, मज़े आ रहे हैं, खेल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत खुश हैं आप लोग, है ना भाई? दोस्तों से दोस्ती चल रही है, नाराज़गी नहीं चल रही है, सबसे मम्मा पापा का कहना भी मान रहे हैं, है ना भाई? चलें जी, इसका मतलब यह है कि अब हम काम शुरू करते हैं। काम शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे? ऐसा करते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊँ, कुछ चीज़ें बताएंगे। वो क्या चीज़ें बताएंगे? चलें ठीक है, मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाती हूँ और मेरे साथ आप खेलें, थोड़ा सा हम लोग भी मिलकर खेलते हैं और आप मुझे बताइएगा कि ये चीज़ें क्या हैं। ठीक है, देखती हूँ कि आप ये काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ठीक है, चलें जी, आँखें बंद करें, कर लें, हाँ चलें जी, आंखें बंद कर लिए। अब यहाँ देखें, ये क्या चीज़ है? आंखें खोलें भाई। हाँ, ये क्या है? छोटा सा टुकड़ा है, ये प्लेट में रखा हुआ है। क्या है ये जी? केक, 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 बिल्कुल ठीक, ये है केक, केक। अच्छा भाई, ये बताइए ये क्या है? चिड़िया? नहीं भाई, कबूतर, 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 बिल्कुल ठीक, कबूतर। अच्छा जी, अब ये बताइए ये क्या है जिसमें मम्मा चाय बनाती हैं? क्या है भाई? केतली, 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 वेरी गुड, शाबाश। हमने अभी क्या देखा? हमने देखा केक, 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 कबूतर, 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 केतली, 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 केक, कबूतर, केतली, केक, कबूतर, केतली। इन तीनों की शुरू की आवाज़ क्या है भाई? क, क, केक, क, कबूतर, क, केतली, क, केक, क, कबूतर, क, केतली। यानी के इन तीनों की शुरू की आवाज़ है क। हाँ, इन सब की आवाज़ है क, क, केतली, क, कबूतर, क, केक। हाँ भाई, यानी कि सब की शुरू की आवाज़ क है। अब क साहब कैसे हैं भाई? क साहब से मिलना है आपको। चले जी मिलते हैं, आंखें बंद कर लें। हाँ, क्योंकि क साहब आ रहे हैं भाई। चले जी, ये देखें, ये आंखें खोलें, जल्दी से खोलें। ये कौन है? क, 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 कौन है ये? क जी। अब ये क साहब बनते कैसे हैं? इनको बनाना सीखना है हमने, और जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं? साथ साथ छोटी सी प्यारी सी नज़म भी पढ़ते हैं, है ना? तो बस जल्दी से हाथ निकालें, अपनी टू फिंगर्स बंद करें, थंब इसके ऊपर रखें। ये हमारे पास फिंगर आ गई। अब हमने क्या करना है? क को ट्रेस करना है और साथ साथ उसकी नज़म भी पढ़नी है ना? चलें जी, पढ़ते हैं नज़म। के ऊपर कशिश लगाओ, केक कबूतर सबको दिखाओ। क के ऊपर कशिश लगाओ, केक कबूतर सबको दिखाओ। क के ऊपर कशिश लगाओ, केक कबूतर सबको दिखाओ। हाँ, कैसी लगी आपको नज़म? अच्छी लगी ना? चलें जी, अब क्या करते हैं? हम अपनी किताब खोलते हैं और हम खोलते हैं किताब के सफ़ा नंबर, यहाँ पे क, जहाँ पे कहाँ मौजूद है। हमने सफ़ा खोल लिया, देखें ज़रा यहाँ पे कितने आइकन्स मौजूद हैं। तीन आइकन्स मौजूद हैं। पहला आइकन है पढ़िए जी, पहले पढ़ना है अपने, फिर आपने क्या करना है? पेंसिल फेरनी है, ब की आधी शक्ल है, पेंसिल रखी हुई है, और आगे हमने मानो बिल्ली का कहना मानना है। मानो बिल्ली हमसे कहती है रंग भरिए, यानी कि पहले हम पढ़ेंगे, फिर पेंसिल फेरेंगे और फिर रंग भरेंगे। लेकिन इन सब काम से पहले हम क्या करते हैं? तारीख लिखते हैं। बिल्कुल, तारीख लिखेंगे और अब क्या करेंगे? पढ़ेंगे यहाँ पे क।
केक की शुरू की आवाज क, केक की शुरू की आवाज क, क केक, केक क, कबूतर क, कबूतर क, कबूतर, कबूतर की शुरू की आवाज क, कबूतर की शुरू की आवाज क, बिल्कुल क, कबूतर हो गया भाई। क केतली, क केतली, क केतली, केतली की शुरू की आवाज क, केतली की शुरू की आवाज क, केतली की शुरू की आवाज क, क केक, क कबूतर, क केतली, बिल्कुल ठीक। अब हमने पढ़ लिया, अब हम क्या करेंगे, पेंसिल फेरेंगे, तो अपनी पेंसिल्स निकालेंगे, शॉप करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ से बड़ा सा नुक्ता रखा हुआ है क के ऊपर, यहाँ पेंसिल रखेंगे और यहाँ पेंसिल रख के आहिस्ता 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 नुक्ते से नुक्ता मिलाते जाएंगे, नुक्ते से नुक्ता मिलाते जाएंगे और हमारा क यहाँ पे बन जाएगा, है ना। हम क बनाते जाएंगे और क बनाते हुए हम क्या करेंगे, हम साथ साथ उसकी नज़म भी पढ़ते जाएंगे। जब नज़म पढ़ेंगे तो नज़म हमें याद हो जाएगी क की। नज़म क्या है भाई, क के ऊपर कशिश लगाओ, केक कबूतर सबको दिखाओ, क के ऊपर कशिश लगाओ, केक कबूतर सबको दिखाओ जी। फिर हमने पढ़नी है नज़म, पढ़ते जाएंगे और पेंसिल फेरते जाएंगे और उसके बाद मानो बिल्ली का कहना मानेंगे और हम कलर पेंसिल्स निकालेंगे और बारी बारी हर तस्वीर पे ऊपर नीचे रंग करेंगे। ख्याल रखेंगे कि रंग जो है वो तस्वीर से बाहर नहीं जाए और हमने हर तस्वीर पे बारी बारी रंग करना है। अगर तस्वीर से रंग बाहर जाते हैं तो ख़राब लगते हैं, सफ़ा ख़राब लगेगा। बस आपने क्या करना है, उसके बाद जब आपके पास रंग भर जाएंगे, आप सारी तस्वीरों पर रंग भर लेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, अपने बहन भाइयों के साथ या पेरेंट्स के साथ बैठेंगे, उनको बताएंगे कि आज हमने क्या पढ़ा है, कौन सी नई आवाज़ पढ़ी है, उनको अपना काम रीचेक कराएंगे और फिर अपने काम की पिक्चर अपने टीचर को सेंड कर देंगे। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।